पता नहीं सिख कौम किस मिट्टी से बनी है, हर मुसीबत में गरीबों के सबसे आगे होती है सिख कौम। खाना खिलाना, गरीबों का हेल्प करना, ये सिख कौम की पहचान है। कोई सीखना है तो सिख कौम से सीख। दोस्तों, ये सिख लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये सिख लोग ना, ये किसी से नहीं डरते। बहुत इंसानियत होती है सिख लोगों में, बहुत अच्छे होते हैं ये। अपनी जान की परवाह किए बगैर बाहर आ जाते हैं, लोगों के लिए खाना बनाते हैं, लंगर बनाते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं इसलिए रो रही हूँ, इसलिए इमोशनल हो रही हूँ कि ये लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये लोग डरते नहीं है किसी से, और ये लोग देखिए कैसे खाना बना रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं अब्रॉड में, अमेरिका में, इटली में, जहां लोग भूखे हैं। अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं, डॉक्टर भी हम सब यहाँ लगे हुए हैं, तो हम जब यहाँ ड्यूटी पे खड़े हैं, गुरुद्वारे की भी सेवा इतनी ज़्यादा है, मैं कह रहा हूँ पूछो मत। हमेशा जब भी कोई दिक्कत आती है हमारे देश में, गुरुद्वारा नंबर वन पे पहले ही आता है। बिल्कुल, लंगर और लंगर चाय हमारे लिए, हमें फील नहीं हो रहा ड्यूटी करते हुए। और जबकि हमारे पास गुरुद्वारे से सिंह सभा या कोई भी कमेटी आती है, तो हमें उत्साह और बढ़ जाता है कि हम थोड़ी ड्यूटी और ज़्यादा करें। जब रात 3 दिन तक मैं भूखा था, दिल्ली में रेलवे स्टेशन में रहा था, तो वो बंगला साहब ही है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ आज। इसलिए मैं प्यार करता हूँ। मेरे को किसी मंदिर में किसी ने खाना नहीं खिलाया, मेरे को गुरुघर में किसी ने खाना नहीं खिलाया, मेरे को अगर खाना खिलाया है तो बंगला साहब ने, गुरु जी ने खिलाया है। और मेरा, मैं आज इस मुकाम, आज वर्ल्ड का इंटरनेशनल लॉयर बना हूं। मैं अमेरिका गया हूं, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया हूं। अगर आज दुनिया में मनोज गोयल का नाम है तो वो खाने की वजह से है। जब मैं 4-4 दिन भूखा था, नंगे पैर था, मैंने उस बंगला साहब में, इसलिए यहां से प्यार। अगर आपको अमेरिका, लंदन, कहीं पर भी मुझे बुलाना हो तो मैं जहां बोलोगे वहां आऊंगा। मैं चाहता हूं सिख धर्म को पूरी दुनिया तक ले जाया जाए। नमस्कार, मेरा नाम मटकुल सिंह है और अभी मैं आरएमआर हॉस्पिटल के कोविड-19 वार्ड में एज ए नर्सिंग ऑफिसर पोस्टेड हूं। अभी पिछले 3 दिन से मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे में रुका हुआ हूँ। यहाँ पे हमारी रुकने की व्यवस्था की गई है, जो बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम्स हमको प्रोवाइड करवाए गए हैं। कई बार खाने की, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और एक न्यूट्रिटिव डाइट हमको ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी है कि यहाँ का स्टाफ जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है और बहुत रेस्पेक्ट हम लोगों को देता है। एक तरफ जहाँ दिल्ली में सुनने में आता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ गंदा बिहेव करते हैं लोग, मकान मालिक कमरा खाली करने के लिए बोलते हैं, वहाँ उसके अपोजिट यहाँ मतलब एक परिवार जैसा एनवायरनमेंट है। इनको, इन लोगों को ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे यहाँ रह रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव जैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत, मैं सफदरजंग में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर काम कर रही हूँ और कोरोना की वजह से हमें गवर्नमेंट के द्वारा इस गुरुद्वारे में अकोमोडेशन दिया गया है। हम अभी मोतीबाग गुरुद्वारे में रह रहे हैं और यहाँ भी जो हमें फैसिलिटीज दी जा रही है वो बहुत अच्छी है। यहाँ के रूम्स बहुत अच्छे हैं, साफ सफाई बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है और हमें खाने की व्यवस्था 24 घंटे दी जा रही है। बिजली की, पानी की, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और जो यहाँ के कमेटी मेंबर्स है, जो यहाँ का स्टाफ है, वो बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ तक कि हमें पार्किंग की फैसिलिटीज भी दी गई है। हम, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सारे कमेटी मेंबर्स को और यहाँ के मैनेजमेंट को, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और इस मुश्किल समय में हमारा साथ दिया।